हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग ईएमआरएस टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए ज्वाइनिंग अपडेट के संदर्भ में होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में या होम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको अपना होम स्टेट अथवा होम डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है या इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको अदर स्टेट में न जाना पड़े, आपको अपना स्टेट ही मिल जाए। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में अगर कल स्कूल है तो होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए। तो इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहें। ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप न करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं होम स्टेट के लिए तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर आपको अपना होम स्टेट है तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें ये 6/6/2024 का एक नोटिस आया है, नोटिफिकेशन विथ रेफरेंस टू ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 कैंडिडेट हियर बाय इन्फॉर्म्ड द कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर ग्रीवेंस। आपको किसी प्रकार की शिकायत हो, इफ एनी रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स कम पोस्टिंग ऑर्डर ट्रांसफर रिक्वेस्ट, आपको किसी प्रकार की पोस्टिंग ऑर्डर के संबंध में अथवा ट्रांसफर के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने का टाइम होगा 9:30 सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक, 9:30 सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक वर्किंग डे में आप ईमेल कर सकते हैं। या इसके लिए एक हेल्पलाइन भी जारी किया गया है 0112334020। ये हेल्पलाइन है, हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप हेल्पलाइन को छोड़िए, इस पर आप ईमेल कर दीजिएगा। क्या ईमेल करना है, किस प्रकार से करना है और इसका बैकग्राउंड क्या बनाना है, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको होम स्टेट अथवा होम डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए, इसके संबंध में अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई बैकग्राउंड हो, ऐसा कोई बैकग्राउंड हो जिस बैकग्राउंड की वजह से आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में अथवा अदर स्टेट में जाने से प्रॉब्लम हो रही हो। डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ ही दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कितने लोग डिस्ट्रिक्ट में होगा, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन स्टेट मान के चलते हैं कि अगर आपको अपने स्टेट से अन्य स्टेट में जाने में प्रॉब्लम हो रही है और इसके संबंध में बैकग्राउंड है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके माता पिता सीनियर सिटीजनशिप हैं, 60+ के हैं। अब जब सीनियर सिटीजनशिप है तो सीनियर सिटीजन है तो कोई काम धंधा नहीं कर सकते सामान्य परिस्थितियों में, तो सामान्यतः कोई विशेष कठोर काम नहीं कर सकते हैं, उनकी देखभाल की भी जरूरत होगी। और हो सकता है कि आपके भाई ना हो, आप अकेले हैं घर पर, अकेले भाइयों में अकेले हैं, तो जरूरी है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहें ताकि अपने माँ बाप की सेवा कर पाएं। तो इस प्रकार से होम डिस्ट्रिक्ट एक बैकग्राउंड बनता है, ये केवल एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। हो सकता है कि आपके पिताजी का अथवा माताजी का किसी का इलाज चल रहा हो, कोई बड़े स्तर पर इलाज चल रहा हो और इलाज की देखभाल के लिए आपकी ज़रूरत हो, आपके भाई नहीं हो अथवा हो भी तो अदर स्टेट में हो, किसी दक्षिण भारत में हो, कहीं पूर्वी भारत में हो, कहीं अलग जगह हो, सेंट्रल की नौकरी में कहीं अलग जगह हो अथवा स्टेट की नौकरी में ही कहीं अलग जगह हो, तो ये भी एक बैकग्राउंड हो सकता है। इस बैकग्राउंड पर भी आप अपने होम स्टेट में जा सकते हैं। तो इसको ये मैंने दो एक केवल एग्जाम्पल दिया है, ये जरूरी नहीं है कि ये इस प्रकार के कोई भी आपके पास बैकग्राउंड हो सकता है, कोई भी बैकग्राउंड होगा और इस बैकग्राउंड के तहत आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, एक लेटर बनाएंगे इसी बैकग्राउंड को लेकर, पॉइंट बाय पॉइंट एक लेटर बनाएंगे और लेटर बना करके आप उसका प्रूफ भी लगाएंगे। जो कुछ बैकग्राउंड दिखा रहे हैं कि हमें इस वजह से अदर स्टेट में जाने से समस्या है इसलिए हमें अपना स्टेट ही प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए आप उसका प्रूफ भी लगाएंगे, जो वैलिड प्रूफ जो कुछ भी होगा उस वैलिड प्रूफ को उसमें सबमिट करेंगे। उसके बाद लेटर में लिखेंगे नीचे कि क्या क्या उसमें प्रूफ लगाए हैं, नीचे लिखेंगे। उसके बाद ईमेल करेंगे, कई पेजों में ईमेल जाएगा तो ईमेल करेंगे, उसके बाद ईमेल वहां पर जाएगा, उसके बाद आपके अलॉटमेंट में संशोधन किया जा सकता है। और ये जो है कि ये प्रोसेस कैसे होगा अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में समझा दूंगा, दो चार एग्जाम्पल लेकर इसके बारे में समझा दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि आपको क्या समस्या है, आपको क्यों प्रॉब्लम है, आप किस वजह से आप अपने होम स्टेट में रहना चाहते हैं, तो आपका ही उदाहरण लेकर मैं आकर समझा दूंगा कि किस प्रकार से लिखना क्या है, फॉर्मेट क्या लिखना है, लेटर कैसे बनाना है, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस प्रकार से सबमिट करना है,
तो इस प्रकार से सबमिट करना होगा। अगर इस प्रकार से सबमिट कर देते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा, पोस्टिंग लेटर होगा, तो पोस्टिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट में दे दिया, होम स्टेट में दे दिया जाएगा। और आपके स्टेट में ही आपका डिस्ट्रिक्ट भी, अगर मैं आपका डिस्ट्रिक्ट में भी है कॉलेज, तो आपके डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया जाएगा, या आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ का दे दिया जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास इस प्रकार का कोई बैकग्राउंड है तो अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा हमेशा के लिए। आप होम डिस्ट्रिक्ट अथवा होम स्टेट अथवा आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी कर लेंगे। इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट हो रही है आपको लेटर बनाने में, या किसी प्रकार की समस्या इसके संबंध में आपको आ रही है कि किस प्रकार से हम करें इसके लिए अप्लाई, या हमारा बैकग्राउंड ये है इसके तहत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इत्यादि किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखिए। कुछ लोगों का अगर कमेंट आएगा इस प्रकार से तो मैं आकर सबको बता दूंगा कि किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से भेजना है और इत्यादि बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। धन्यवाद।